गाइस जैसा कि आप जानती होंगे भारत में 5G सर्विस की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जियो और एयरटेल पहले से ही 5G सर्विस की टेस्टिंग शुरू कर चुके हैं। अब वोडाफोन आइडिया भी रेस में आ गया है। वोडाफोन आइडिया भी देश में 5G का ट्रायल कर रहा है। इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रविंद्र ठक्कर ने कन्फर्म किया है। कंपनी के एनालिस्ट कॉल के दौरान रविंद्र ठक्कर ने इसको कन्फर्म किया। वोडाफोन आइडिया देश के कई शहरों और राज्यों में 5G ट्रायल को कर रहा है। इसके लिए कंपनी 2 विदेशी टेलीकॉम इक्विपमेंट वेंडर की मदद ली है। वोडाफोन आइडिया ने 5G ट्रायल के लिए यूरोप के बड़े टेलीकॉम वेंडर नोकिया और इरिक्सन के साथ पार्टनरशिप की है। रविंद्र ठक्कर के अनुसार ट्रायल को फिलहाल देश के 2 राज्यों के 2 शहरों में किया जा रहा है। वोडाफोन 5G का ट्रायल गुजरात के गांधीनगर और महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया के पास काफी स्पेक्ट्रम रिसोर्स हैं। अगर ये 5G को नॉन स्टैंड अलोन नेटवर्क अपने 4G नेटवर्क के एक्सेलेंट कैपेसिटी के बदौलत रोल आउट करना चाहे तो ये कर सकता है। हालांकि इसको दिक्कत आ सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने वोडाफोन आइडिया और दूसरे कंपनियों को देश में स्पेक्ट्रम उपलब्ध करवाया है। ये स्पेक्ट्रम 5G टेस्टिंग के लिए उपलब्ध करवाया गया है। वहीं बता दें भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो पहले से ही 5G ट्रायल शुरू कर चुके हैं। रिलायंस जियो मुंबई में नेटवर्क को टेस्ट कर रहा है जबकि भारतीय एयरटेल गुरुग्राम में 5G ट्रायल को कर रहा है। वोडाफोन आइडिया का ट्रायल बताता है कि देश के दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ ही ये भी 5G सर्विस को लॉन्च करेगा। गाइस ये थे वोडाफोन आइडिया के 5G ट्रायल को लेकर कुछ जानकारियां। ये जानकारियां कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में दिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा।